हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक एक्सट्रीमर्स। तो गाइस, हम खेल रहे हैं GTA 5 स्टोरी मोड एंड लास्ट एपिसोड में देखा था कि माइकल एंड लेस्टर प्लान बनाते हैं ज्वेलरी स्टोर लूटने का। तो उसके लिए चाहिए होते हैं लेस्टर को कुछ फोटोज। तो माइकल एंड लेस्टर जाते हैं ज्वेलरी स्टोर पर एंड लेस्टर माइकल को देता है एक चश्मा जिसके अंदर एक हिडन कैम फिट होता है। तो माइकल जाता है स्टोर के अंदर, सबसे पहले वो कीपैड की फोटो क्लिक करता है, अलार्म कीपैड की, देन वो कैमरे की फोटो क्लिक करता है एंड फिर वेंट की फोटो क्लिक करता है। जब माइकल वापस आता है तो लेस्टर कहता है कि मुझे ये वेंट है, इसका फैन की फोटो और चाहिए। तो फिर माइकल जाता है रूफ टॉप के ऊपर, वहां से वो उसके फैन की फोटो क्लिक करता है एंड वापस आ जाता है लेस्टर के पास। लेस्टर को फिर वो उसकी गारमेंट फैक्ट्री ड्रॉप कर देता है। एंड गाइस, इतना ही था हमारा लास्ट एपिसोड एंड अब कंटिन्यू करते हैं अपना स्टोरी मोड। तो गाइस चलते हैं। स्टोरी मोड हो चुका है हमारा स्टार्ट एंड स्टार्टिंग में आ जाता है हमारा माइकल। माइकल बैठा हुआ चिप्स खा रहा है अपने सोफे पर एंड देखते हैं ये क्या करने वाला है। अब ये शायद जिमी का रूम है। हाँ, जिमी खेल रहा है वीडियो गेम। माइकल खड़ा हो चुका है अपने सोफे से एंड शायद जिमी को बुला रहा है, जिमी को आवाज मार रहा है एंड माइकल कह रहा है कि माइकल कह रहा है तुम मेरी बात नहीं मानते बिल्कुल भी, मैं इसलिए तो तुम्हें बुला रहा हूँ। एंड फिर ये दोनों आपस में कुछ बात करें। माइकल ने कुर्सी उठा ली और मार दी इसके कंप्यूटर में, मॉनिटर स्क्रीन पे से माइकल ने कुर्सी मार दी और जिमी की हालत हो चुकी है बिल्कुल खराब। ये शायद माइकल से गुस्सा हो चुका है, ये कह रहा है कि मतलब यार एक तो तुम अच्छे बाप हुई नहीं और ऊपर से तुमने मेरा कंप्यूटर भी तोड़ दिया। माइकल भी परेशान है, ये कह रहा है कि तुम यार अगर मेरे बेटे हो तो यार मेरे साथ थोड़ा टाइम निकालो यार, मेरे साथ बैठो। बट जिमी को क्या है कि वो वीडियो गेम खेलता रहता है। माइकल इस बात से बहुत परेशान हो गया है और अब दोनों में बहस हो रही है। तो माइकल कह रहा है रुको मैं तुम्हारी कुछ मदद करता हूँ। जिमी कह रहा है कि तुमने तो मेरा टीवी तोड़ दिया, तुम क्या मेरी मदद करोगे। लो, एक तो टीवी तोड़ दिया उसने, अब उससे माफी और मांग रहा है कि मतलब आई एम सॉरी। यार समझ नहीं आया यार मुझे ये सब, मतलब टीवी तोड़ दिया गुस्से में आके फिर सॉरी बोल दो। और ये शायद कुछ बाइक राइड कह रहे हैं तो शायद ये साइकिल वाइकिल चलाने जा रहे हैं शायद। चलो यार चलते हैं, साइकिल भी चला के देखते हैं, चलाओ गेम में। चलो चलो बीच पे जाना है, गो टू द बाइक रेंटल स्टैंड। बाइक रेंटल स्टैंड मतलब बाइक हमें खरीदनी पड़ेगी पहले। अरे कहाँ फंस गए, इधर चल। ये माइकल की गाड़ी है, दोनों बैठ चुके हैं एंड बहुत दूर है, मतलब 1.4 माइल्स है। तो क्या करते हैं, मैं स्किप कर देता हूँ गाइस। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। तो यहाँ हमें पार्क करनी है अपनी कार एंड आगे चल के देखते हैं क्या होता है। तो ये कह रहा है कि डोंट शूट, मतलब जो इसके बाइक रेंटल शॉप का ऑनर है तो उसे गोली मत मारना फालतू में। माइकल कैसे पता है ना, गैंगस्टर है माइकल तो भाई डरता है नहीं किसी से, गोली वोली मार देगा फालतू में। इसका दिमाग ख़राब हो गया तो बोल रहा है कि दो बाई सिकल चाहिए तो सेलेक्ट कर लो। तो यही ले लेते हैं, ग्रीन वाली ले लेते हैं। रुको, अच्छी लग रही है सर, मतलब 5 साइकिल हैं तो एक तो उसने ले ली और उसने एक हमने ले ली। तो ये कह रहा है रेस जिमी टू पायर, तो रेस करना है जे, रेस करने में क्या, जल्दी जल्दी चलते हैं हम तो बस। चलो देखते हैं रेस। चलो यार बहुत दूर है ये भी वैसे, पर ये मिशन है तो मिशन तो हम पूरा कर ही लेते हैं। चलो गाड़ी की जर्नी होती तो मैं उसे स्किप कर देता, पर साइकिल चलानी है। आप भी देख लो किस तरीके से कौन सा वे हमें रूट लेके जाना है उस तरफ। तो चल लिया साइकिल, मतलब सारी लोकेशन सारा हमारा गूगल मैप पे दिया हुआ है यहाँ पे। साइकिल से भी ठोकर मार देते हैं,
घंटी बजा रहा हूँ मैं, कुछ सुन रहे तो है नहीं कोई। साइकिल चलाने में भाई अलग ही मजा आ रहा है। इधर से जाना शायद, रुको यहाँ से अब लेते हैं लेफ्ट। अच्छा ये मेला लग रहा है यहाँ पे, शायद फेयर है यहाँ का। GTA 5 का फेयर देख लो, जो स्टार्टिंग में जो ट्रेलर दिखाया था हमने, इसका इंट्रो दिखाया था, उसमें भी ये सब दिखा रहे थे बीच के साइड में। यहाँ पे आते हैं, ये दोनों बात कर रहे हैं अपने, मतलब कि मजा आ गया हमें साइकिल रेस करके। चलो जिमी भी मान गया कि हाँ चलो वीडियो गेम खेलते रहता हूँ, यहाँ पे आके साइकिल चलाई तो मतलब अच्छा लगा जिमी को भी। Because Tracy doesn't buy cars she can't afford, so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with... ये शायद से नाराज हो रहा है कि मतलब तुम मेरी, मुझे इतनी फ्रीडम नहीं है जितनी मेरी बहन को फ्रीडम दे रखी है तुमने। वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे पार्टी कर रही है, वो जो सामने तुम्हारी बोट है वहाँ पे, और वो घूमती भी रहती है। तो ही माइकल कह रहा था कि मतलब तो ट्रेसी तो इतनी खुद सेल्फ डिपेंड है कि मतलब वो खुद की गाड़ी ले सकती है, और तुम आप क्या कर रहे हो। तो वो कह रहा है कि वहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। माइकल कह रहा है अगर ऐसा हुआ तो तुम देख लेना। माइकल जा रहा है ट्रेसी के पास उसे बचाने अब शायद। चलो देखते हैं क्या होता है। चलो 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 चलो, स्विमिंग कैन विल ऑल्सो इम्प्रूव योर जनरल स्टेमिना। स्विमिंग से यार तुम्हारा जो स्टेमिना है माइकल का, तो वो इम्प्रूव हो सकता है। तो अगर किसी को अपना स्टेमिना पे काम करना है तो स्विमिंग प्रैक्टिस करते रहो GTA 5 के अंदर माइकल, या किसी भी करेक्टर से आप कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। तो हम बोट के पास पूछना, बोट नहीं है एक तरीके से शिप ही है पूरा। चलो यार पहुंच गए बस। डिग्निटी नाम है वो बोट शिप का भी पूरा। चलो यार ऊपर चलते हैं। बस ये भी माइकल की बेटी जो ट्रेसी एंड अपने दोस्तों के साथ ये पार्टी कर रही है। देखो माइकल आए, इसका तुम्हारा डैक होता है ना, डैक जो पहले चलता था रेडियो वीडियो टाइप में, उसे फेंक दे पूरा। इनकी बहस चल लिया वापस में। तो ये कह रहे हैं कि ये कौन है, तो ट्रेसी कह रही है तो ये मेरे पापा हैं, और माइकल कह रहा है कि चलो यहाँ से। तो ये बंदा कहने लगा भाई ज्यादा नवाब मरियन गाइस, देखा उन्हें माइकल ने उसे फेंक दिया। मैं कह रहा हूँ गाइस माइकल गैंगस्टर है, इसका मतलब इसकी खोपड़ी खराब हुई तो कुछ भी कर सकता है। ये बंदे तो शायद गुस्सा हो गए, उनका उनके साथ ही गुस्सा हो गए थे यार, लड़ने को तैयार हो गए तो बिल्कुल। इन्होंने भी गाइस जेट स्की ले लिया है, और ये गन ले रखी है गाइस इसने। बोलते तो चलो यार निकलना है। गोली चलाने गए जो हम पर, ये कह रहे हैं लूज, इन्हें इनसे बचना है हमें, लूज करना है इन्हें जल्दी जल्दी हो सके जितना। रहता हूँ चलते हैं, चलाते रहता हूँ यार मैं गाइस। माइकल पूछा ट्रेसी से कि ये कौन कौन है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे टीवी वाले हैं मूवीज वाले ये हैं, और ड्रग डीलर हैं। तो ये कह रहा है कि दोनों मतलब इन दोनों, ये दोनों साथ में कैसे हैं, कि मतलब ड्रग डीलर और टीवी काम करने वाले। तो आपको तो आजकल का सीन पता हो ही रहा है ना कि मतलब बॉलीवुड में क्या हो रहा है।
ठीक है, तो मतलब सब एक्ट्रेस जो भी हैं तुम्हारी मेन मेन हाईलाइट हुई हैं तो उस इंटरव्यू लेते हैं, और एक्टर भी हैं बहुत सारे। तो मतलब यही है, मतलब हर जगह का सीन है ये, कि मतलब बॉलीवुड का नहीं, हर जगह का सीन है कि मतलब ड्रग्स तो भाई हर इंडस्ट्री में है। देख लो अब यहाँ पे GTA 5 खेल रहे हैं, इस गेम के अंदर भी ये सीन है। नाम तुम लीजिए बोर्ड से चाहिए कर। चलो यार वो तो गए शायद, अब वो बंदे तो हमने उनसे पीछा छुटा लिया, अब देखते हैं माइकल और ट्रेसी को कहाँ जाना है। जिम तो हमें जिमी के पास वापस जाना है, और जिमी की लोकेशन आ चुकी है हमारे गूगल मैप पे, तो वहीं चलते हैं। ये कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है अभी इसके साथ, इसके ऊपर से निकालते हैं, कोशिश करते हैं इसके ऊपर से निकल। अरे यार ये कहाँ गया, यहाँ से चलो 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 बस हाँ बस 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 चलो 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 इधर है शायद जी, ये रहा बिल्कुल सामने हमारे। ट्रेसी से गाली दे रही है मुझे, तुमने मतलब मेरे तुमने पापा को भी बताया कि मतलब मैं यहाँ पर हूँ ऐसे ऐसे, तो ये कहने लगा कि यार मैंने कुछ नहीं बताया, ये मुझे साइकिलिंग कराने यहाँ पे ले आया बीच में, और इससे फिर मैंने बता दिया तो ये फिर तुम्हारे पीछे आ गया। तो ये कह रहा है कि मैं इसके साथ नहीं जाऊँगी, मतलब मैं टैक्सी कर रही हूँ अपनी, ठीक है। और माइकल से दोनों नाराज होकर चले गए, तो माइकल हमारा यहाँ हो रहा है परेशान, शायद मिशन हो गया गाइस हमारा। तो गाइस एक और मिशन हो चुका है हमारा कंप्लीट GTA 5 स्टोरी मोड के अंदर, एंड माइकल अभी यहाँ पे रुको, अभी कुछ बाकी शायद हाँ। तो गाइस मुझे याद आया कि मतलब हमें जो ज्वेलरी स्टोर वाला मिशन था हमें, ठीक है, तो उसमें मुझे लेस्टर को कॉल मिलानी थी, तो मैं एक मिनट कॉल मिला देता हूँ लेस्टर को, क्योंकि वो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसके बारे में, ठीक है, तो कॉल मिलाते हैं। लेस्टर कहाँ है, तो गाइज आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना है, लिंक दे दें इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन जय हिंद।